हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बात करेंगे आज के ETF एंड स्टॉक मार्केट अपडेट की। तो देखिए, आज के दिन निफ्टी 50 में एक ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है। आज के दिन निफ्टी 50 में 1.14% की तेज़ी देखने को मिली है और साथ ही आज हमें निफ्टी 50 में एक बार फिर से नया हाई बनते हुए देखने को मिल रहा है। 247 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ निफ्टी 50 में आज 21,894 की क्लोजिंग आते हुए देखने को मिल रही है और ड्यूरिंग मार्केट इसने एक नया हाई बना दिया है, जो कि आप यहां देख पा रहे होंगे लगभग 2:40 के आसपास 21,928 के आसपास इसने नया हाई बनाया है, जो कि आप यहां देख सकते हैं। अब ये जो 52 वीक हाई है, आप यहां देख सकते हैं 21,928 का शो हो रहा है और आज का जो हाई है वो भी आप यहां देख सकते हैं 21,928 का ही है। तो आज एक नया हाई बनता हुआ देखने को मिल गया है निफ्टी 50 में। तो इस महीने और दिसंबर में बैक टू बैक निफ्टी 50 ने नए हाई लगाते हुए देखने को मिले हैं, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक ज़बरदस्त खबर निकल के आ रही है आज के दिन फिर से। और बाकी अदर इंडेक्स की बात कर ली जाए तो निफ्टी बैंक आज लगभग 0.57% की तेज़ी दिखाया है, 271 पॉइंट्स की तेज़ी दिखाया है। और फिर बाकी सेंसेक्स में आप देख सकते हैं 1.18% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। बाकी मिड कैप इंडेक्स आप यहां देख सकते हैं 0.81% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। तो चलिए अब देख लेते हैं ETFs के बारे में। तो देखिए, आज के दिन जिस ETF में या कहें जिस इंडेक्स में हमें सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है वो है IT20 ETF, यानी IT सेक्टर। लगभग 5% की तेज़ी बनती हुई हमें देखने को मिली है IT20 के ETF में। और उसके बाद निफ्टी 50 वाले ETF यानी निफ्टी 20 में 1.2% की एक बड़ी तेज़ी बनती हुई देखने को मिली है। उसके बाद भारत 22 ETF में आप देख सकते हैं लगभग 0.98% की तेज़ी, और फिर बैंक 20 में 0.58% की तेज़ी बनती हुई देखने को मिली है। बाकी के ETFs का हाल आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज जिस ETF में, देखिए वैसे तो सभी ETF आज हरे निशान में बंद होते हुए देखने को मिले हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर ETF हरे निशान में बंद हुए हैं, पर सिर्फ दो इंडेक्स या दो ETF ऐसे थे जिन्होंने लाल निशान में क्लोजिंग दी है। वो है दो इंडेक्स, एक है ऑटो सेक्टर का ETF जो है ऑटो 20, और एक है फार्मा 20 ETF जो कि फार्मा सेक्टर का ETF है। यानी फार्मा सेक्टर और ऑटो सेक्टर में हल्की फुल्की आज गिरावट देखने को मिली है। अब फार्मा सेक्टर को तो आप कह सकते हैं फ्लैट टू, मतलब जितने पे खुला था उतने में ही हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है, फ्लैट टू ओपन। और बाकी ऑटो सेक्टर में भी हल्की ही गिरावट है 0.15% की। बाकी सिल्वर में भी हमें आज लाल निशान में बंद होता हुआ देखने को मिला है, 0.26% की गिरावट के साथ सिल्वर बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट और आती है तो सिल्वर में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग की। हालांकि अब भी चाहे तो थोड़ी बहुत बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है, और बाकी हल्की फुल्की गिरावट आपको एनुअल टाइम में और भी देखने को मिल सकती है सिल्वर 20 में। खैर, इसके बारे में हम किसी एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। बाकी आज ग्लोबल में भी थोड़ी बहुत गिरावट का सामना करना पड़ा है, देख सकते हैं नैसडैक 100 में सबसे ज़्यादा गिरावट आज देखने को मिली है, 0.36% की गिरावट के साथ बंद हुआ है नैसडैक 100 ETF। और फैंग प्लस ETF में भी लगभग सेम गिरावट है 0.35% की। और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं और ETF जितने भी हैं सब लगभग हरे निशान में ही बंद होते हुए देखने को मिले हैं। तो आज का दिन जो था वो IT सेक्टर के नाम था और IT सेक्टर में ज़बरदस्त रैली बनते हुए देखने को मिली है। और IT सेक्टर यानी IT20 के बारे में हमने अभी अभी एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आप IT20 के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं चैनल पे विजिट करके। तो चलिए आगे की चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, आज के जो स्टॉक्स की बात की जाए तो निफ्टी 100 में जो टॉप गेनर्स रहे हैं उसमें इन्फोसिस सबसे ऊपर रहा है। तो देख सकते हैं लगभग 8% की तेज़ी के साथ इन्फोसिस बंद हुआ है। ONGC में लगभग 5.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। टेक महिंद्रा भी लगभग 4.5% के आसपास बंद हुआ है। और LTI माइंट्री में 4.5% के आसपास की तेज़ी रही है। तो बाकी बात कर ली जाए टॉप लूजर्स की, तो देख सकते हैं नाइका में आज 3% की आसपास की गिरावट है, ICICI प्रूडेंशियल में 2% की गिरावट है, और ABB इंडिया में 1.8% की गिरावट है, और HDFC एसेट मैनेजमेंट में 1.34% की गिरावट देखने। तो ये था ETF एंड स्टॉक मार्केट का हाल। तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।